बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल और एवोगैड्रोस नंबर, ये दोनों टॉपिक एक ही टॉपिक में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। बुक्स में दी गई जो डेफिनेशंस होती हैं उनको पहले समझने से जो बेहतर है कि मैं आप लोगों को जो है इसके पीछे से जो इंट्रोडक्शन है मोल्स का और एवोगैड्रोस नंबर का, आप लोगों को इन जनरल समझाऊं, वहाँ से मैं स्टार्ट लेती हूँ। देखें, हमारे लाइफ में भी जब हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम्स की जो मास को या वेट को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, जब हमने उन्हें उनकी क्वांटिटी को मेजर करना होता है, तो हम लोगों के पास दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना। फूड आइटम्स को जब हम लोगों ने उसके मास को जब ख़रीदना होता है, तो कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनको हम लोग मास के लिहाज से ख़रीद रहे होते हैं, और कुछ फूड आइटम्स होते हैं या उनको हम लोग क्या करते हैं, बाय नंबर, नंबर के हिसाब से ख़रीद रहे होते हैं, ठीक। जैसे हम मैं कह लूँ कि मेरे पास जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स में, कुछ भी हो सकता है, फूड आइटम्स के अलावा भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या है फूड आइटम्स को एग्जांपल के तौर पे कोट कर रही हूँ। तो हम लोगों ने जब मेजरमेंट करना होता है क्वांटिटी को किसी भी फूड आइटम के, तो हमारे पास एक तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग कुछ आइटम्स उसमें से आते ही किसके हिसाब से हैं, जैसे डजन के हिसाब से आते हैं, ऐसा ही है ना। और कुछ जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, हम लोग उसका मास या वेट लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जब हम लोगों ने क्वांटिटी को मेजर करना है फूड की, फूड आइटम्स की क्वांटिटी को मेजर करना है, तो अमाउंट को, क्वांटिटी को, तो डजन में या फिर मैस में लिया जाएगा। डजन में, फॉर एग्जांपल मैं अगर केले ख़रीदने जाती हूँ, तो मैं केले ख़रीदने के लिए कहूँगी कि मुझे 1 dozen बनाना चाहिए, ठीक है ना, 1 dozen बनाना चाहिए। और अगर मैं क्या ख़रीदने जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एप्पल ख़रीदने जाती हूँ, तो मैं 1 dozen नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि मुझे क्या चाहिए, 1 kilogram, किलोग्राम में उनको बताऊंगी कि मुझे इतनी अमाउंट में जो है ना एप्पल चाहिए, सेब चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जब हम लोगों ने किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करनी होती है, ठीक है, क्वांटिटी या जिसको आप अमाउंट बोल सकते हैं ऑफ सब्सटेंस, ठीक, उसको जब आपने मेजर करना होता है, तो वो भी उसको, उसके लिए जो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जैसे हम लोगों को मालूम है कि मैंने अगर लेंथ को मेजर करना है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह से मेरे पास क्या है मास या वेट जिसे आप बोलते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजर बेसिक जो है, तो उन्हीं में से एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग जो केमिस्ट्री में सिर्फ इस्तेमाल होती है वो होती है मोल, वो होती है मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोल, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि मोल जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, अमाउंट को, क्योंकि सब्सटेंसेस को हम लोग डायरेक्टली ग्राम्स में फाइंड आउट नहीं कर सकते। एटम्स होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम लोग कोई फिजिकल बैलेंस ऐसा नहीं है कि उसमें रखें और उसकी ग्राम्स में उसके आ जाए,
तो लिहाजा हम लोग मोल्स के साथ डील करते हैं। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के मास को लेते हैं, सब्सटेंस की क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक है। मास के बजाय मैं यहाँ पर क्वांटिटी या अमाउंट का वर्ड इस्तेमाल करूँगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से ये क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स जो है वो दो चीज़ों से लिंक करता है, इसी तरह से हमारे पास जो मोल है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी दो चीज़ों से लिंक्ड होता है। एक हमारे पास होता है एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे डजन की मैं बात करती हूँ तो ये 12 होता है ना, तो एवोगैड्रोस नंबर जो होता है ये होता है 6.022 × 10²23 पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स। तो मोल का एक लिंक जो है वो एवोगैड्रोस नंबर से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फूड आइटम्स की जब मैंने क्वांटिटी मेजर करनी होती है तो मैं उसका डजन में मेजर कर सकती हूँ कुछ आइटम्स को, ठीक है ना। तो उसमें अब डजन कुछ भी लिया जाए हमारे पास, वो हमेशा 12 ही आएगा, डजन में 12 ही आएगा। चाहे वो मैं अगर डजन पेंसिल्स ले रही हूँ तो तब भी वो 12 ही आएंगी, अगर मैं डजन ऑरेंजेस ले रही हूँ तो तब भी वो 12 आएंगे, एप्पल सॉरी अगर मैं बनाना ले रही हूँ तो तब भी वो 12 आएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, 12 उसका एक कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से जब मैंने एक सब्सटेंस की क्वांटिटी अमाउंट को मेजर करना है तो उसका एक लिंक बनता है एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है ना। अब एवोगैड्रोस नंबर कि जो कांस्टेंट नंबर है वो है 6.022 × 10²23। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ 1 dozen बनाना कितने के इक्वल है, 12 बनाना के इक्वल है, ओके। या मैं कह देती हूं 1 dozen पेंसिल्स, उसमें भी 12 ही आएंगी पेंसिल्स, ठीक है ना, 12 पेंसिल्स ही आएंगी। हम यहां पर 12 आइटम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को जनरल इन जनरल बात की समझ आ गई होगी। अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में बात करूंगी तो केमिस्ट्री हमें ये कहती है कि 1 mole, अब डजन, ठीक है, मैंने क्या लेना है, 1 mole, 1 mole ऑफ, अगर मैं बोलती हूँ कार्बन, अब वो सब्सटेंस देखें क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, आपको पता है सब्सटेंस 2 types के होते हैं, एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। तो 1 mole ऑफ कार्बन ये मैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि 1 mole ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 × 10²23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्या है 6.022 × 10²23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन एक क्या था, एलिमेंट है ना, और एलिमेंट जो होता है वो एटम्स, उसकी जो एग्जिस्टिंग यूनिट होती है वो एटम, एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, जो एक एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस वो एटम से बना होता है। एलिमेंट की डेफिनेशन यही है कि वो सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, से कार्बन का जो 1 mole होता है वो इक्वल होता है 6.022 × 10²23 एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम्स के इक्वल है, ठीक है।
अब यहां पर मैंने देखे लिखे पार्टिकल लिखा था ना, अब पार्टिकल पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के, ठीक है, तो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है ना। सब्सटेंस अगर मेरे पास एलिमेंट है तो उसके एटम्स होंगे, सब्सटेंस अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर सब्सटेंस मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके क्या होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक, तो हमारे पास ये जो पार्टिकल का वर्ड है ये अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस चेंज होता जाएगा। जैसे अब मैं एक और लिख लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास है वन मोल ऑफ, मैं ले लेती हूँ वाटर, H2O वाटर। तो इसका मतलब क्या है, अब वाटर एक क्या है, मोलेक्युलर सब्सटेंस है, तो इसमें कितने एवोगैड्रोस नंबर होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 × 10⁻³। अब यहाँ पर क्योंकि ये खुद एक मोलेक्युलर सब्सटेंस है और जो कि एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नेम जो होगा वो इसके पार्टिकल का नेम होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ आई कुछ स्टूडेंट्स? ठीक है, एटम्स की एग्जांपल दे दी, मॉलिक्यूल्स की दे दी, अब फॉर्मूला यूनिट की भी मैं एक एग्जांपल कोट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास है वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस यूनिट क्या है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है फार्मूला यूनिट। तो वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स का नाम यहाँ पर होगा फॉर्मूला यूनिट्स, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आइए कुछ समझ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास तरीकेकार है कि जिसमें हमारे पास A1 मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेट कर रहा होता है, वन मोल जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेट कर रहा होता है, कि हमारे पास वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है जो कि एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि जिसका पार्टिकल जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा, वो सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है जिसका पार्टिकल नेम फॉर्मूला यूनिट होगा। ठीक है, तो मैंने तीनों की एग्जांपल्स ले ली। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मोल जो है वो मोल मोल मतलब क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका जो वो मोल होता है वो रिलेट करता है, हम उसको मास की शक्ल में भी क्या कर सकते हैं, मैसेस यानी के ग्राम, ठीक है, ग्राम्स में मेजर कर सकता हूँ, मैं जी डाल देती हूँ उसकी, ठीक, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक, कि हमारे पास वन मोल में हम लोग ग्राम्स भी ले सकते हैं, मतलब कि वन मोल कितने ग्राम्स के बराबर होगा, वन मोल कितने ग्राम्स के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्या था, वन मोल ऑफ कार्बन जो था वो इक्वल होता है 6.02 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन। ये तो मैंने लिया उसके पार्टिकल्स का नंबर, अगर मैं कहूं कि वन मोल कार्बन में कितने
ग्राम्स होंगे, यानी कि 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा। ठीक है, अब हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, रिलेटिव मैसेज पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो जो उस सब्सटेंस का रिलेटिव मास होगा वही उसका मास होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इतने एटम्स है, 6.02 × 10²³ एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर मैं अब इस साइड को लिंक कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मोल्स का लिंक विद मास, तो ये इक्वल होगा अब कार्बन का एटॉमिक मास, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, 12 था। तो मैं कहूंगी 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजरेबल होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कहते ही उस चीज को है जो जिसका हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कि वो मेजर भी की जा सके, उसकी पैमाइश भी की जा सके और उसका यूनिट भी हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो बजाय इसके कि हम लोगों ने जो रिलेटिव एटॉमिक मास बोला था 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट तो रिलेटिव एटॉमिक मास था, हम वो AMU आम फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं हो सकता, हमने उसको कन्वर्ट कर देना है ग्राम्स में, हमने उसको AMU की बजाय लिख देना है ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर का हम लोगों को, आप लोगों ने मोलेक्युलर मैसेज फाइंड आउट करना सीखे थे। ठीक है, हमारे पास फार्मूला मैस और मोलेक्युलर मैस जो है आपने फाइंड आउट करना सीखा था। तो वाटर का हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो उसका हमारे पास ये मॉलिक्युलर मैस होगा। तो मैं निकाल लेती हूँ वाटर का मॉलिक्युलर मैस, जी कैसे निकालते थे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता था, 2 एटम है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता था, 16, तो टोटल हमारे पास 18। तो हम लोग AMU लिखते थे, AMU लिखते थे ना एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट कर देना, उसको हमने AMU की बजाय ग्राम्स लिख देना है। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो इज इक्वल टू मेरे पास जी क्या था, फार्मूला मैस, क्योंकि ये एक आयनिक सब्सटेंस था और आयनिक सब्सटेंस का फार्मूला मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस नहीं होता। फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का एटॉमिक मैस होता था 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो 58.5 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये लिंक्ड हो गया क्या मोल पार्टिकल नंबर्स के साथ लिंक्ड हो गया, जैसे कि मोल का मैंने यहाँ पर लिंक बताया आपको। ठीक है, कि 1 मोल में हमेशा 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स होते हैं उस सब्सटेंस के। ठीक है,
और आगे मैंने दिया हुआ है मैस के साथ रिलेशनशिप, तो वन मोल जो होता है हमेशा कितने के बराबर होता है, जो भी उस सब्सटेंस का मैस होगा वन मोल उतने मैस के इक्वल होगा। यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को? डियर स्टूडेंट्स, मोल की जो डेफिनेशन नंबर वन है वो रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर है। इस पार्ट को डिस्कस करिए कि मोल का एवोगाड्रोस नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह से हमारे पास क्या होता है, डजन का रिलेशनशिप बनता है ना किसी की एटम के क्वांटिटी के साथ, इसी तरह से मोल का एवोगाड्रोस नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए मोल इज एन अमाउंट, मोल जो है किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी है, वो अमाउंट है जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, 6.022 × 10³ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब पार्टिकल्स से क्या मतलब है, पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। होता ये है कि हमारे पास सब्सटेंसेस जो है ना वो मुख्तलिफ यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एलिमेंट जो होते हैं उसकी एग्जिस्टिंग यूनिट जो होती है वो एटम होती है, तो तब हम पार्टिकल को एटम बोलेंगे, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो उसकी एग्जिस्टिंग यूनिट मॉलिक्यूल होगी, तो पार्टिकल नेम मॉलिक्यूल लिखा जाएगा। और जब हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन जो भी हमारे पास सब्सटेंस है अगर वो आयनिक है तो उसका पार्टिकल नेम फार्मूला यूनिट्स लिखा जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि वन मोल ऑफ कार्बन है, तो वन मोल ऑफ कार्बन बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, 6.022 × 10³ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। अब पार्टिकल जहाँ पर कार्बन क्योंकि एक एलिमेंट है और एलिमेंट जो होता है वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पर पार्टिकल का नेम क्या लिखूंगी, एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक, वन मोल ऑफ सोडियम, अब सोडियम भी एक एलिमेंट है तो ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम्स की फॉर्म में। एलिमेंट सारे के सारे जो होते हैं वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वन मोल ऑफ सोडियम कितना है, 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ सोडियम, Na इसका सिंबल है। अब मैं नेक्स्ट जो सब्सटेंस लेने जा रही हूँ वो है मेरे पास वाटर। वाटर एक मोलेकुलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा यहाँ पर मैं कहूँगी कि वन मोल ऑफ वाटर जो होता है, अगर मैं वन मोल ले रही हूँ किसी जार में तो उसके अंदर 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मोलेकुलर सब्सटेंस है तो उसके अंदर भी कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जो मैं ये लास्ट एग्जांपल कोट की हुई है ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड आयनिक सब्सटेंस है, और आयनिक सब्सटेंस की जो एग्जिस्टिंग यूनिट होती है वो फार्मूला यूनिट होती है, तो पार्टिकल नेम यहाँ पर फार्मूला यूनिट आएगा, 0.6.022 × 10³ फार्मूला यूनिट्स। ऑफ NaCl, ठीक है ना। वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.022 × 10³ फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास मोल की, वो हम लोगों को रिलेशनशिप बताती है बिटवीन मोल एंड मैस, यानी कि ये वाला जो पार्ट है मोल और मैस ऑफ सब्सटेंस का जो रिलेशनशिप है वो ये डेफिनेशन बताती है। इस डेफिनेशन को हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी बोलते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द अटोमिक मैस, मोलेक्यूलर मैस और फार्मूला मैस, यानी कि सब्सटांस के जो रिलेटिव मैसेस थे, ठीक है, उनको जब हम लोग ग्राम्स में लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ अटोमिक मैस यूनिट AMU की बजाय हम ग्राम्स में लिख देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो 1 मोल है, वो क्वांटिटी 1 मोल है, ठीक है। देखें इसकी एग्जांपल मैं कैसे ले सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन हमारा, हम कैसे लिखते थे, हम कहते थे 12 AMU। अब हमने सिंपल क्या करना है, AMU की बजाय यहाँ पर लिख देना है ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। मतलब मैं अगर किसी स्टूडेंट को कहती हूँ कि मुझे 1 मोल कार्बन मैयर करके दे दो, तो वो मुझे क्या करेगा, 12 ग्राम मैयर करेगा, फिजिकल बैलेंस लेगा, उसमें 12 ग्राम डालेगा और कहेगा कि ये जो है 1 मोल कार्बन है, ठीक है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ सोडियम, 23 अटोमिक मास यूनिट लिखते थे ना आप लोग, तो रिलेटिव उसको हम लोगों ने जब ग्राम्स में लिख दिया, ठीक है, ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर, अब वाटर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मैसेज निकालने सीखे थे, तो मैं दोबारा यहां पर निकाल लेती हूँ, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 होता था ना, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट उसकी 1 होती थी, हाइड्रोजन 2 है इस वाटर के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन 1 है, उसका एटॉमिक मास यूनिट जो होता था 16 होता था रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 2 + 16 = 18, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। मैं कहती हूँ कि मुझे 1 मोल वाटर चाहिए, तो 18 ग्राम मेजर करेंगे, हम कहेंगे कि ये वाटर का 1 मोल है। इसी तरह से मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैं इसका क्या निकाल लेती हूँ, मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12 + ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास कितना निकल आएगा, 12 + 32 = 44, ठीक है, 44 ग्राम, क्या कहेंगे हम लोग, 44 रिलेटिव अगर मास की बात होगी तो 44 AMU लिखते हैं हम लोग, हमने उसको एक्सप्रेस कर देना है AMU की बजाय ग्राम में, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, सोडियम का सिंबल Na और कार्बन का सिंबल C, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो किस में एक्सप्रेस होता है, उसका फार्मूला मैस होता है, ठीक है, उसका फार्मूला मैस होता है, तो फार्मूला मैस निकाल लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जी सोडियम का क्या होता है 23 + क्लोरीन होता है 35.5, तो टोटल हमारे पास निकलेगा 58.5 ग्राम, ठीक है, तो 58.5 AMU होता है रिलेटिव मैस, तो मैंने जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं कहूँगी कि ये उसका 1 मोल है, कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये चीज अब हम लोगों को क्या बताती है कि हमारे पास जो मोल है वो किस तरह से मैस के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, मैस के साथ किस तरह से वो रिलेट कर रहा है।
स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ था हमारे पास मोल्स से मुतालिक। ठीक है, ये मोल्स का फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को भी डिस्कस करेंगे और मोल्स से मुतालिक जो डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है जो, उसको भी हम लोग न्यूमेरिकल्स उसके इंशाल्लाह ताला डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।